नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। आज का विषय बड़ा ही छोटा है और बहुत लोगों पर यह लागू होता है। ये विषय है कि बहुत लोगों के कान पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या कान पर बाल होना शुभ है, अशुभ है, क्या है? इसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोगों के कान पर बाल जन्म से ही होते हैं और कुछ लोगों के कान पर बाल उम्र के साथ काफी तेजी से आते हैं और कुछ लोगों के कान पर बाल कुछ छोटे छोटे होते हैं और कुछ लोगों के कान पर बाल बड़े बड़े होते हैं। तो क्या कान पर बाल होना शुभ है, अशुभ है, क्या है? तो कान पर जिसके बाल होते हैं वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, उनका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है। जिन व्यक्तियों के कान पर बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं वो व्यक्ति भाग्यशाली तो होते ही हैं, परंतु बहुत ही चतुर होते हैं। उनका व्यक्तित्व भी काफ़ी ऊंचा होता है, उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है और काफ़ी क्लेवर, काफ़ी चतुर। वो व्यक्ति अपनी चतुराई से कोई भी काम को, चाहे काम कितना भी उलझ गया हो, अपनी चतुराई से उसको बिल्कुल ही ठीक कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी ज़्यादा होते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायित्व को ज़्यादा नहीं निभाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने घर और परिवार यानी कि बच्चे, उनके जीवन साथी पर ही ज़्यादा सीमित रहते हैं। स्वार्थ की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कंजूस होते हैं और उनका सबसे बड़ा ख्वाब होता है धन को संचय करना, और वो धन को संचय भी कर लेते हैं, लेकिन उनका संचय किया हुआ धन का उपयोग स्वयं वो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। धन तो काफ़ी संचय करते हैं, धन खर्च करने में उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है और काफ़ी धन संचय करते हैं, लेकिन धन का सही सदुपयोग उनसे नहीं होता है और अपने पर कोई सदुपयोग वे नहीं कर पाते हैं। उनका धन का संचय किया हुआ धन, उनके धन का, वो जो धन संचय करते हैं उसका उपयोग उनके संतान, उनके बाल बच्चे करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति धन का संचय कर अपने लिए कोई उपयोग करना उनके के लिए दुर्लभ हो जाता है। इस टाइप के व्यक्ति अपने ऊपर धन का संचय तो करने के बाद इस टाइप के व्यक्ति अपने ऊपर तो खर्च तो नहीं करते हैं, तथा हर खर्च को इतना तौल के करते हैं कि उनका नाम कंजूसी में, कंजूस व्यक्तियों में गिना जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति उदार होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति बुरे तो नहीं होते हैं, उनका सारा दायित्व, उनके सारे दायित्व का फोकस उनके अपने परिवार पे ही रहता है और ऐसे व्यक्ति अपने केवल परिवार के प्रति ही उत्तरदायित्व को निभाना अपना कर्तव्य समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो कान के बालों को काटें? तो इसमें शास्त्र में काफ़ी कुछ कहा गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे आदिकाल से लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो कान के बाल को प्रायः नहीं काटते थे। कान को बाल को काटना पहले माना जाता था कि उम्र जो है छोटी हो जाती है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो आदिकाल के थे वो इस पर विशेष ध्यान देते थे कि कान के बालों को नहीं काटना है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न पीरियड आया है उसमें लोग इस चीज़ को थोड़ा मॉडर्नाइज कर चुके हैं
और वो कान को बाल को काटते हैं, लेकिन आज ही बहुत लोग कान के बाल को नहीं काटते हैं। अगर कान के बाल को काटना पड़ा तो आपको क्या करना है? कान के बाल को एकदम नहीं काटे, पूरी जड़ से यानी कि पूरे बराबर करके नहीं काटे, थोड़ा बहुत कान के बाल को वो काट सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कान के बाल को वो काट सकते हैं, छांट सकते हैं, काटना नहीं, छांट सकते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कान के बाल को काटने में लोग भाग्य के भी बात को करते हैं कि भाग्य जो है, कान के बाल को काटने से भाग्य जो है रूठ जाता है, भाग्य काम नहीं करता है। तो अगर कान के बाल को आप छांटते हैं, थोड़ा बहुत छांटते हैं, तो न भाग्य आपका रूठता है, न उम्र आपके कम होते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा कान का बाल होने से थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व को वो नुकसान पहुंचाता है, आपके व्यक्तित्व मॉडर्न पीरियड के व्यक्तित्व में थोड़ा सा कष्ट देता है, देखने में सुंदर आदमी का चेहरा नहीं लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो कान के बाल को थोड़ा सा छांटा जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है। कान के बाल को काटना, पूरी तरह से काटना, धर्म के अनुसार भी पूर्ण रूप से गलत है। हमारे शास्त्र इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि आप कान के बाल को पूर्ण रूप से काट दें, और पूर्ण रूप से काट देने पर आपके भाग थोड़ा सा अवरोध हो जाता है। तो कान के बाल को छांटें और अपनी सुंदरता को बढ़ाएं, पूर्ण रूप से उसे काट के हटाएं नहीं, हल्का सा छांट के थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। कान के बाल जिस व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ऐसे व्यक्ति तो बहुत स्वार्थी होते हैं, काफ़ी स्वार्थी होते हैं, उनमें मैं की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अंत में इस एपिसोड को ख़त्म करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कान के बाल को छांट सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से काट के हटाना आपके लिए उचित नहीं होगा। ऐसे में आप छांटें कान के बाल को, कोई भ्रम में न पड़ें कि छांटना परेशानी का कारण बन सकता है, ऐसा परेशानी का कारण कुछ भी नहीं बन सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था जो आम जीवन से लगा हुआ है, बहुत लोगों के अति से लगा हुआ है। जिन व्यक्तियों को मेरे इस वीडियो से कुछ तकलीफ हुई होगी, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ शास्त्र के अनुसार कर रहा हूँ, तो उन्हें तकलीफ ना लगे, इस बात की मैं पूरी ख्याल रखा हूँ। तो आज इतना ही, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।